आज राज किचन रेसिपी बनाएंगे कच्ची हल्दी की सब्जी, राजस्थान तरीके से नहीं क्योंकि ज्यादातर ये राजस्थान में बनाई जाती है, पर हम इसे बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में क्योंकि मैंने आज से 15 साल पहले खाई थी ये किसी पंजाबी वेडिंग के अंदर और इतनी टेस्टी लगती है दोस्तों, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और ये लाखों रोगों की दवा है। दवाया खाओ, पिज्जा बर्गर छोड़ो। वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी पर दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। यहाँ पर हमने आधा किलो हल्दी ली है, अब इसको काटने का भी तरीका है, चलिए वो भी बताते हैं। पर अब आ जाता है पानी, जो है सबकी जिंदगानी, इसके बिना नहीं किसी की कहानी। इसमें डाल देते हैं, अब ये हल्दी है जो मेरे पापा ने ला के दी है मुझे, अगर मैं लेने जाता ना तो मैं हल्दी लेता ऐसी, सिर्फ ऐसी। तो आप कोशिश करें कि जिस पे ये गांठ नहीं निकली भी हो ना, जैसे इस तरीके से, वो हल्दी लेनी है आपको। तो आपका 500 ग्राम नहीं लेनी पड़ेगी, कम ही लेनी पड़ेगी। तो जैसी लाए थे पिताश्री वैसी है, धो लेते रगड़ रगड़ कर। ये देखिए इस तरीके से रगड़ रगड़ कर धो लेते हैं इसको, और आज आने वाला है मज़ा, बहुत टेस्टी लगता है। और झोलदार बनाएंगे हम, झोलदार सब्जी आपने हल्दी की पहले कभी नहीं खाई होगी, और एक बार मेरे तरीके से बना के देखना दोस्तों, सच बता रहा हूँ मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ा सा समय लगता है अच्छी चीज़ बनाने के लिए, वरना धूल में लट चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। धूल में लट चलाओगे तो फिर तारीफ नहीं होगी, बोला ठीक है मज़ा आ गया, पेट भरने के लिए तो फिर कुछ भी चलता है। लेकिन अगर पेट भी भर जाए और दिल भी भर जाए, मन भी भर जाए, और उसके बाद भी कहे कि यार अभी तो और खाने का है, तो बोलते हैं रेसिपी, उसको बोलते हैं मज़ेदार चीज़, वरना क्या मतलब है। होटल ढाबा लोग किस लिए जाते हैं, वो मेहनत करते हैं। घर की सब्जी किसको अच्छी लगती है, बोला जाता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो ऐसा ही है सीन। ये तो मेहनत नहीं करते हैं घर में, मेहनत करो आप रेसिपी के साथ में, सब्जी के साथ में, जो भी बना रहे हो थोड़ा सा अपना एफर्ट ज़्यादा कर दो उसके साथ में, तो क्या होता है कि, और भी हाथ मेरे होने वाले हैं पीले कन्फर्म जब इसे छीलेंगे, और कम से कम एक दिन डेढ़ 24 घंटे तो रहेंगे पीले। ये लीजिए हल्दी धुल गई, चलिए देखिए नहीं धोते तो इतनी गंदगी कहाँ से निकलती। तो पानी भी कर दिया है पीला, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल्दी महारानी को लेते हैं और इसके साथ एक काम करते हैं, ये इस आइट साइड का हटाना है हमें। ये देखिए इस तरीके से ये हटा देना है, ये यहाँ से खराब है ये हटा देना है, ये हटा देना है, ये हटा देते हैं। ये देखिए ये तो ठीक है, फिर भी यहाँ से थोड़ा है इसको हटा देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा हटा देते हैं। काटने का तरीका है दोस्तों बता रहा हूँ मैं आपको, सच बता रहा हूँ, ये इसको यहाँ से काट देते हैं, बहुत हार्ड है, ये हटा देते हैं, ये भी ले लेंगे ठीक है, और ये हटा देते हैं यहाँ से, इसको भी काट देते हैं यहाँ से दोस्तों। ये तो रामबाण औषधि है, इसके लिए बोला जाता है कैंसर जैसा रोग कभी जिंदगी में होने नहीं देगी। अगर सर्दी में आपने 3 या 4 बार ये सब्जी खा ली ना आपने, वैसे भी इसको ऐसे सब्जी के जैसे नहीं खाया जाता, इसको थोड़ा जैसे अपन अचार लेते हैं ना उस टाइप से, क्योंकि बहुत गर्म होती है दोस्तों, और ज़्यादा गर्म खाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा खाओगे तो। और ये भी हटा देते हैं, ये यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो बनाए तो ऐसे नहीं कि ज़्यादा खा जाएं, कोशिश करें कि हिसाब से ही खाएं, यानी एक कटोरी ले लो और खा लो। चलिए ये भी रख लेते हैं, ये हटा देते हैं, ये भी रख लेते हैं, और ये काट देते हैं। ये पापा ने लाके दिए तो ऐसे ही लाके दिए कि अब ये तो शंख जैसा लग रहा है, हल्दी कम शंख ज़्यादा लग रहा है ये तो। चलिए ये भी हटा देते हैं, यह देखिए क्या बात है, बहुत ही बढ़िया मज़ा आने वाला आज। आपने इससे पहले कभी भी, जिसने भी खाई हो ना पंजाबी हल्दी की सब्जी, वो कच्ची हल्दी की, तो
नीचे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर दोस्तों कि सच में खाई है क्या आपने जिस तरीके से मैं बनाने वाला हूँ। तो अभी हम ये रह गए इसके आइड साइड काट देते हैं और ये भी रह गया है इसको भी काट देते हैं। ओहो इधर भी है। अब आपको दोस्तों एक काम करना है कि देखता हूँ मैं कौन कौन घर पे मेहनत करता है बनाता है, उसके लिए आपको क्या करना है, कैसे पता लगेगा कि आप घर पे बनाते हो घर पे मेहनत करते हो, कुछ जानकारी है आपको। वो जानकारी पता कैसे होगी दोस्तों, वो जानकारी ऐसे पता होगी कि पहले ये हमारी हल्दी पूरी अच्छे से कटेगी। तो वो करीब करीब ये कट गई है। ओके वेरी गुड वेरी नाइस शाबाश। अब आधा किलो हल्दी ली थी हमने, आधा किलो में से ये बची है जिसे हमें फेंकना नहीं है, इसे भी छील कर सुखा ले, ऐसे ही सुखा ले और फिर कूट ले, बाद में मिक्सी में पीस ले तो पाउडर बन जाएगा। चलिए हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, एक लेते हैं ऐसा दांत वाला चाकू, ये देखिए दांत वाला, और ऐसे छील लेते हैं इसको। ये देखिए पिलर से नहीं छीले वरना क्या होगा हल्दी भी निकल जाएगी। ये छील लेते हैं ऐसे फटाफट, इसको छील कर एक साफ पानी में डाल देते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से छिलका पूरा निकाल लें। ये देखिए यहाँ से भी थोड़ा चक्कू चलाना पड़ेगा दोस्तों, और बनाते रहो खिलाते रहो मज़े करते रहो और ऐसी सब्जी खाओ। पिज्ज़ा बर्गर से मेरे को दुश्मनी नहीं है, खाओ चाउमीन खाओ पिज्ज़ा खाओ बर्गर खाओ, पर यार दोस्तों कभी कभी ये भी खाओ। ये खाना छोड़ दिया जब भी तो इतनी बीमारियाँ घेर के बैठी है लोगों को, और टू ओली वालों का एक ही काम होता है बाहर जाके पिज्ज़ा बर्गर तो खा लेंगे लेकिन मेरी रेसिपी पे आके एक ही कमेंट करेंगे टू ओली। वाह भाई साहब मज़े आ गए आप लोगों के तो। चलिए लीजिए इस तरीके से पूरी हल्दी छील लेनी है, इसको डाल देते हैं साफ पानी में, हाथ हो गए पीले, छील लेते हैं बाकी भी। ये देखिए हल्दी को छील कर एक बार नल के नीचे धोकर पानी में डाल दिए, और अब बताओ दोस्तों पहले तो इसके लिए वजन पूछा था, अब ये देखिए इतना हमारा छिलका निकला है। तो उसको फेंकना नहीं, क्योंकि मैंने जो हल्दी धोई थी ना रगड़ रगड़ के वो इसलिए धोई थी कि इसको सुखा लेंगे, इसको फेंकना नहीं है, सुखाना है। सुखाने के बाद में क्या करना है, पीस लेना है, तो अपना हल्दी पाउडर बनेगा, पैसा वेस्ट नहीं करने का। चलिए अब बोला था ना मैंने आपको कि हल्दी काटने का एक सीक्रेट है, तो ये छिल गई है। ये देखिए हल्दी ऐसे उठानी है और कैसे काटनी है, ये देखिए इसको पतला पतला गोल गोल काट लेना है। ये देखिए ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, ये ऐसे काट लेना है। ये देखिए आय हाय हाय, ये जो हल्दी की सब्जी खाओगे तो गुण गाओगे और कहोगे मज़ा आ गया। ये देखिए काट लेते हैं, इसलिए मैंने हल्दी बोली थी ना शुरू में आपको कि मेरे को हल्दी कैसे चाहिए थी। ये कट गई एक, ये दूसरी, अब ये टेढ़ा है तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको सीधा कर देते हैं, हो गया। ये देखिए जब ये हल्दी की सब्जी आप खाओगे तो राज को याद करोगे, मज़ा आ गया राज, कड़वी का तो नाम आएगा नहीं और मस्त लगेगी खाने में। चलिए फटाफट इस तरीके से हल्दी को हम काट मारते हैं। देखिए लग रही ना सुंदर सुशील, हाय हाय मजा आ गया इसको देख के ही। चलिए क्या करते हैं, ये लेते हैं, इससे पानी जल्दी से निकल जाएगा, इसमें डाल देते हैं और अब बता देते हैं आपको मसालेदार और उंगलियां चाटने वाली हल्दी की सब्जी पंजाबी स्टाइल कैसे बनेगी, क्या क्या सामग्री जाएगी। एक सीक्रेट डालेंगे सामग्री लास्ट में जिससे मजा और स्वाद बढ़ जाएगा 1000 गुना। हल्दी में से निकल गया है पानी और इतनी चाहिए हमें सामग्री, मजेदार मसालेदार उंगलियां चाटने वाली कच्ची हल्दी की पंजाबी स्टाइल ग्रेवी वाली सब्जी, झोलदार वाली।
अरे आने वाला है मजा, मजा ही मजा आने वाला है, एक बार बना के देखना। तो यहाँ पर हमने लिए 4 बड़े साइज की प्याज, बारीक बारीक काटी है, चौपड़ में मत काटना, पानी छोड़ दे दिए, और लहसुन भी बहुत ज़्यादा जाता है इसमें। तो यहाँ पर हमने लहसुन की कलियाँ ली हैं करीब 2 गांठ बोलते हैं ना, जैसे गांठ बोलते हैं, तो हमने 3 गांठ लिए, और कलियाँ अगर गिनूँ तो करीब 60 कलियाँ हैं इसके अंदर। यहाँ पर दही लिया हमने 300 ग्राम। उसके बाद लेंगे ये देखिए इतना बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, चटकारे के लिए एक छोटा चम्मच काला नमक, उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल नमक अपना आधा चम्मच, 2 तेज पत्ते और 1 आधा चम्मच हींग, 2 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, ये देखिए इतनी सारी, 1 बड़ा चम्मच काली मिर्ची, इतनी नहीं जाएगी, और आधा चम्मच लौंग, इतनी नहीं जाएगी, और 1 बड़ा चम्मच जीरा। यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर है ये हमारी कश्मीरी नहीं है, तीखी लाल मिर्च है, ये लेंगे आधा चम्मच, कश्मीरी लेंगे 1 बड़ा चम्मच, घी चाहिए करीब 100 ग्राम, घी के बिना मज़ा नहीं आएगा। और इसमें है एक सीक्रेट सामग्री जो डालेंगे लास्ट में, हरा धनिया और हल्दी आपको बताना भूल गए, वो बताते हैं बाद में। यहाँ पर चढ़ा दिया गैस पे सुंदर और सुशील वाला स्टील का पैन, क्या करेंगे इसके अंदर हम डालेंगे, अरे दोस्तों घी डालेंगे, ये जाएगा इसमें घी, ओ ये देखिए पहले इसके अंदर आधा घी डालेंगे, आधा बचा लेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे, गैस को करेंगे लो फ्लेम पर वरना घी जल जाएगा, मेल्ट होने देगा अच्छे से, पहले देखते हैं मेल्ट होने के बाद में हमें कितना घी चाहिए। आय हाय हाय सब मज़ा आने वाला है, चलिए घी को होने देते हैं फाड़िया फर्स्ट क्लास तरीके से मेल्ट। देखिए घी हो गया मेल्ट, घी लेना है आपको गाय का शुद्ध घी लेना है, और डाल देनी है हल्दी, अब दोस्तों वैसे तो ये हल्दी जो पंजाबी बनाते हैं पूरा एकदम बहुत भर के घी लेते हैं और घी में डीप फ्राई करते हैं, मैं यहाँ पे डीप फ्राई नहीं करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ गैस को पहले हाई फ्लेम पे करके बस शैलो फ्राई करने वाला हूँ, क्योंकि इतने घी में मामला नहीं बैठेगा, थोड़ा सा घी और डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि वैसे भी इसमें से घी बचने वाला है, वही हमारे काम आने वाला है, घी के बिना मज़ा नहीं आने वाला है, तो ये तेल डाल देते हैं। चलिए अब 3 से 4 मिनट इसको ऐसे डीप फ्राई तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, शैलो फ्राई कर लेंगे इसे, मजे करो और बनाते रहो, ये हेल्दी रेसिपी है। और टू ऑयली वाले यहाँ पे टू ऑयली नहीं बोल सकते हैं, हाँ ये बोल सकते हैं टू घी, क्या बोलेंगे टू घी, तो टू घी डीगने करें, हल्दी की सब्जी बनानी है बीमारियों से बचना है तो टू ऑयली वाले क्या करें पानी में इसको बॉईल कर लें, फिर इसके न्यूट्रिशन पानी में इकट्ठे हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हमें पूरे 5 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे, डीप फ्राई करते ना तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो दोस्तों 3 मिनट हमने इसे हाई फ्लेम पर ऐसे पलट पलट के फ्राई किया है, अब क्या करेंगे गैस को लो फ्लेम पर करेंगे, अब लो फ्लेम पर 3 मिनट, 2 मिनट भी कर सकते हैं 3 मिनट भी कर सकते हैं, यहाँ फ्राई नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने 1 मिनट बढ़ा दिया है, अच्छे से फ्राई हो जाए नीचे हल्दी तो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और स्वाद तो आए एक नंबर आएगा। चलिए अब लो फ्लेम पर 3 मिनट और कर लेते हैं हल्दी महारानी को, ये देखिए सुनहरी सुनहरी होने लग गई है। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऐसे बीच में सेट करके छोड़ देते हैं, इसका काम हो जाएगा यहाँ पर, और हम कर लेते हैं क्या दूसरा काम, ये देखिए ये काली मिर्ची ये गई यहाँ पर, ये गई लौंग यहाँ पर, और इसे कूट लेंगे, अरे भार नहीं यहाँ, जितना बारीक कूट सकते हो उतना कूट लें, क्योंकि अगर मिक्सी में पेस्ट बनाएंगे तो मामला खराब हो जाएगा, कूट लेते फटाफट। यह देखिए इसमें दरदरा ही कूटेगा, लेकिन इस अगर मिक्सी में डाल दोगे तो मामला खराब हो जाएगा, क्या करते हैं ये लीजिए
यहाँ पे आ जाते पहले, इसको भी बीच बीच में हमने चलाया है वरना। और देखिए गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर है, ये लीजिए डाल देते हैं इसमें, क्या बात है, और छान लेते हैं। बस इतना ही डालना है, बाकी ये छोड़ देना है, हटा देते हैं इसको, रख देते साइड में। यहाँ पे देखिए हल्दी हो गई एकदम कलर बिल्कुल लाल जैसा हो जाएगा, ये देखिए ये कलर दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखिए इस तरीके का हो जाएगा। तब तक तो को हल्दी को पकाना है, ठीक है, और पकी नहीं तो क्या होगा, फिर कड़वाहट आएगी और कड़वाहट मारेगी, वो अपने को काम नहीं करना दोस्तों। दूसरा आप चाहें तो मटर भी डाल सकते हैं, मटर क्या करती है बैलेंस कर देती है, अगर ये थोड़ी कड़वाहट मारी तो मटर मीठी होती है तो बैलेंस कर देती, पर वहाँ पर जो मैंने खाई थी ना आज से 15-16 साल पहले, वहाँ पे मटर नहीं थी। चलिए इसको क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर खाली कर देते हैं, ये देखिए पूरा घी निकल गया, और चिपक गई क्या, निकल भाई हल्दी जी निकलो, ये लीजिए। और दोस्तों अब चढ़ा दिए सुंदर और सुशील कढ़ाई, क्या करेंगे कढ़ाई, अरे ये देखिए ये जो घी निकला है ना ये डाल देंगे। अब ज्यादा आप बढ़ा भी सकते, देखिए हाय हाय है, रोटी के चिप जो क्या होगा इसमें घी रहेगा ना, तो रोटी के चिपड़ के खाएं तो हल्दी के गुण मिलेंगे और मजा आ जाएगा, और चाहे तो वैसे भी मस्त, कुछ भी नहीं लगाना है आपको रोटी के, तेल गरम, तेल तो नहीं है घी है, गर्म ही हो गया देखिए, और वैसे भी गर्म ही था। सबसे पहले डाल देंगे जीरा, जीरे को लगने देंगे हल्का सा तड़का, गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना नहीं है, कुछ लोग काला कर देते हैं ना वो नहीं करना है। ये देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन होते ही सबसे पहले प्याज देवी, तेज पत्ते तो भूल गए ना, तेल लीजिए अभी तो तेल का हिसाब बाकी है, डाल देते हैं। चलिए अब यहां प्याज को क्या करना है, थोड़ा सा चलाना है, और क्या करना है, थोड़ा सा जैसे चला लेंगे, और आयरन के स्रोत में कूटा था ना अदरक और लहसुन वो भी डाल देंगे, और यहां पर प्याज को गोल्डन ब्राउन मत करना वरना हो जाएगा मामला खराब। 3 मिनट बस चलाना है इसे, सिर्फ 3 मिनट। लहसुन डालने के बाद में 2 से 3 मिनट अच्छे से करेंगे फ्राई। साथ में एक चीज रहेगी ना दोस्तों, वो पकेगा नहीं तो मजा नहीं आएगा, अदरक, अदरक कद्दूकस किया हुआ, ये देखिए अब कर लेते हैं 3 मिनट इसे अच्छे से फ्राई। पर हल्दी की सब्जी में हल्दी कौन डालता है दोस्तों, हल्दी इसकी इतनी हल्दी है दोस्तों इसमें, बताओ मैंने किसी का वीडियो देखा था हल्दी की सब्जी में हल्दी डाला था बंदा, चलो बताओ वो कौन हो सकता है, मेरा कोई रिलेटिव ही है। अब जो लहसुन है ना देखो दोस्तों वो चिपकने लगेगा 3 मिनट बाद, तो 3 मिनट हो गए हैं, हाई फ्लेम पर गैस है, लो फ्लेम पर करते हैं, डालते हैं क्या दोस्तों, सबसे पहले हींग, ये गई हींग, और इसको मिलाना है थोड़ा सा, थोड़ा सा मिलाने के बाद में डाल देना है इसके अंदर 1 काफी बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, मजा ही जाए, मजा ही आ जाएगा, और फिर डाल देना है इसके अंदर 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच नॉर्मल वाला नमक, और 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च, और मिला लेना है, हल्दी तो डालनी नहीं है, मिला लिया। मिला लिया, मिलाने के बाद क्या करेंगे, 1/2 कप पानी डाल देंगे,
गैस को हाई फ्लेम पे कर देंगे और हाई फ्लेम पे चलाएंगे। हाय हाय मुंह में पानी आ गया, इसको ही खा लेते हैं यार। अब आने देते इसमें उबाली यानी बबल, बबल आने तक चला लेंगे। देखिए उबाली आ गई, आय हाय हाय क्या करना है, अरे हल्दी डाल देनी है यार दोस्तों और मिला लेना है। हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट लगातार चलाएंगे रेगुलर। आपको लग रहा होगा बन गई, नहीं बनी दोस्तों, अभी बहुत कम बाकी है। अब यहाँ पर जितनी मेहनत करोगे ना आप, जितना हाई फ्लेम पर, जितने हाई फ्लेम लो फ्लेम मीडियम लो फ्लेम पर चलाओगे ना उसको, जब तक ये लगे नहीं जब तक, तो सच में उंगलियां चाटने वाली बनी। लेकिन दोस्तों एक चीज रह गई, क्या रह गई, ये मसाला, इसके बिना नहीं आएगा। और ये तो चिपकिया डाल देना, इसके बिना खुशबू नहीं आएगी दोस्तों, खुशबू नहीं आएगी तो खाएगा कौन। अब जाने वाली है 10 किलोमीटर तक खुशबू। अरे फैले मत भाई, बहुत महंगा है घी, 600 रुपये का 1 किलो है। और देखो दोस्तों जितना घी हमने लिया था ना उसमें से इतना ही घी बचा है बस, हमने बीच में डाला था 1 चम्मच और भर के जब प्याज फ्राई करी थी, वो रिकॉर्ड होना रह गया। अब देखिए अब चिपकने लग गया, अब क्या करना है, अब डाल देना है इसमें दही। ये गया दही, जाओ भाई दही महाराजा पूरे चले जाओ, पूरे चले जाओ दही महाराजा, और मिला लो गैस हाई फ्लेम पर ही है, चलाएंगे लगातार और रेगुलर। ओए होए कलर आ गया है, बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं मज़ेदार। खाते ही उंगलियां चाट चाट के, प्लेट चाट चाट के खा जाएंगे। ऐसी बनने वाली आज हल्दी की सब्जी। अब इसे छोड़ना नहीं है, लगातार चलाना है दोस्तों, वरना दही फट जाएगा, दही फट जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। क्या बात है, ये देखिए अच्छे से लात मारने लग गई है। ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो क्या करना है, झोल वाली आधा कप पानी और डाल देना है, तभी आएगा दोस्तों मज़ा। काफ़ी है इसमें घी, क्या करेंगे दोस्तों, गैस को करेंगे लो फ्लेम पर और ढककर रख देंगे पूरे 5 मिनट के लिए। दोस्तों लो फ्लेम पर 5 मिनट हो गए, हटा लेते हैं ढक्कन, गैस को करते हैं हाई फ्लेम पर। एक सीक्रेट बताया था ना कि सीक्रेट सामग्री डालेंगे, ये रही, ये है 1/2 चम्मच मीट मसाला, स्वाद बढ़ा देगा, फ्लेवर बढ़ा देगा, मजे कर देगा, डाल देते हैं। ये देखिए इसमें मीट नहीं होता दोस्तों, और जिनको प्रॉब्लम है उनका कुछ नहीं हो सकता, उनको ऐसा लगता है कि वो फलाना ढिमका ये क्यों बोला, थोड़ा मामला ख़राब कर दिया। अभी देखिए दोस्तों मैं कलर दिखना नहीं है क्योंकि इसमें उबाली आ रही है भर भर के, तो अभी क्या करना है इसमें, और 50 ग्राम बारीक कटा हुआ धनिया मज़ेदार, ये लीजिए, और ओ ये लीजिए, चलिए मिला लेते हैं। ओए होए जो खाएगा वो हमें याद करेगा और तारीफ कंफर्म करके जाएगा, बोलेगा हल्दी की सब्जी तो नहीं है, क्योंकि हमने खाई है, जब हमने खाई थी ना आज से 15 साल पहले पंजाबियों की शादी में, 1% नहीं लगी मुझे हल्दी की सब्जी है, और जो बाकी सब्जियां भी थी पर मंगा मंगा के यही खाई, हल्दी की सब्जी लाना पाजी, हाय हाय हम है राजी। ये देखिए आ गया कलर,
और इसको खाने का मत देखिए दोस्तों, इसको आप जो खाएं ना तो गरम गरम ही खाएं, ठंडा खाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा क्योंकि सर्दियों में घी जम जाएगा, गरम करके ही खाएं। चलिए हम खाएंगे गर्मा गर्म ये हल्दी की सब्जी। आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। ऐसी रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल बाबी काफी रेसिपी है, देखिए बनाइए खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मज़ा खिलाने का है ना वो खाने का नहीं है। तो चलिए गैस को करते हैं बंद और जो बनाई है आज हल्दी की सब्जी बिल्कुल सिंपल रोटी के साथ खाकर खत्म करते हैं चपाती चपाती।